डबल इंजन की ताकत पहले भी बड़ी है, आगे और बढ़ेगी। और मैं तो इतना कहूंगा, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो केवल निराशा ही पाएंगे। ये शिवाजी महाराज के पुतला को फूल अर्पण करके क्या कहना चाहेंगे सर? शिवाजी महाराज की जहाँ आशीर्वाद लिया, वहीं पर जनता का आशीर्वाद भी कल्याण डोंबिवली हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए लेंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ अपना विस्तार भी कर रही है। और आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं थी, आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें हैं। हमारा दक्षिण भारत की बात हो, वहाँ पर भी लगातार, चाहे तमिलनाडु की बात ही क्यों ना करो, हमने वहाँ पर भी सीटें जीतने का काम किया और लगातार पार्टी और संगठन का काम बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र तो ऐसी कर्म भूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है जिसने यहाँ से बड़े बड़े नेता भी दिए, सत्ता में आकर सेवा करने का अवसर भी दिया। और मैं धन्यवादी हूँ अपने भाई आदरणीय संजय जी का, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं जिला के, और यही नहीं माननीय सर निरंजन जी भी हमारे जो यहाँ के जिला के अध्यक्ष हैं, भाई संजय जी हमारे रायगण, हमारे भाई प्रवीण जी मंत्री जी, सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। और इसलिए कि हम लगातार यहाँ पर जनता के बीच में जाकर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा सकें, संगठन को और मजबूत कर सकें, और सेवा में कोई कमी ना रख के एक बार फिर आशीर्वाद प्राप्त करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। सर, खिलाड़ियों से मिले, खिलाड़ियों से मिले, क्या कहना चाहोगे? इंडियन सरकार है, विरोधी पक्ष कह रहे हैं आज से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की शुरुआत है और आने वाले समय में डबल इंजन सरकार जो है अलग हो सकती है। डबल इंजन की ताकत पहले भी बड़ी है, आगे और बढ़ेगी। और मैं तो इतना कहूंगा, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो केवल निराशा ही पाएंगे। सर, खेलो इंडिया के खिलाड़ियों से मिले, क्या कहना चाहोगे? खेलो इंडिया के खिलाड़ियों से मिले, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो शानदार प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है, मैं महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के 36 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे आया है मेडल जीतकर, बहुत बहुत बधाई। सर, खेलो इंडिया मिशन एक तरफ से शुरू है और दूसरी तरफ से ठाणे शहर में बच्चों के लिए मैदान ही नहीं है, तो वो कैसे वो कर सकते हैं? एक के बाद दूसरी जगह लगातार सुविधाएं बनाने का काम देश भर में चल रहा है और यहाँ के बच्चों को भी निराश नहीं होना पड़ेगा, उस पर भी काम